सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। एजाज को गुरुवार को मुंबई की साइबर क्राइम पुलिस ने आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उन्हें अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उनके अपलोड हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे, जिसके चलते कोर्ट ने शनिवार को एजाज खान की पुलिस हिरासत में 14 दिन तक के लिए बढ़ा दी है। फिल्मों से दूर रहने के बावजूद लगातार सुर्खियों में बनी रहने वाली बॉलीवुड के किंग खान की बेटी सुहाना खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुहाना खान अपनी दोस्त के साथ खूब मस्ती करती नजर आ रही हैं। वीडियो में जो सबसे खास है वो है सुहाना खान की स्माइल। सुहाना के फैन पेज से शेयर हुए इस वीडियो में उनकी स्माइल काफी प्यारी लग रही है। इस वीडियो में उनका लुक और उनकी स्माइल दोनों ही बहुत लाजवाब हैं। वीडियो में सुहाना खान ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही हैं। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर को फैंस ने काफी पसंद भी किया। फिल्म के कुछ डायलॉग के साथ कई मीम्स भी बनने लगे हैं। सोशल मीडिया के दौर में हर महत्वपूर्ण फिल्म के डायलॉग्स के मीम्स बनने का सिलसिला पिछले कुछ सालों से ट्रेंड में है। फैंस के बाद अब मुंबई पुलिस और राजस्थान पुलिस ने भी इस फिल्म के मीम्स को शेयर किया। मुंबई पुलिस ने एक क्रिएटिव मीम शेयर किया है। इस मीम में एक्टर दिलीप ताहिर नजर आ रहे हैं। सलमान खान पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो न केवल फिटनेस से जुड़े पोस्ट करते हैं बल्कि कई फनी पोस्ट से भी अपने फैंस को एंटरटेन करते आ रहे हैं। सलमान इस वीडियो में पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करते हुए दिख रहे हैं। सलमान खान ने इस वीडियो में कैप्शन में लिखा है कि पुराने दौर की तरह पोस्ट करने की एक कोशिश। यूनाइटेड किंगडम बेस्ट UGOV ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एंड डेटा कंपनी ने 2019 में दुनिया भर के 40 सर्वाधिक प्रशंसा पाने वाले लोगों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत के अभिनेता अभिनेत्रियों में कई लोगों के नाम शामिल हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान का नाम दुनिया भर में सबसे ज्यादा एडमायर किए जाने वाले भारतीय एक्ट्रेस की लिस्ट में टॉप पर आया है। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम 12वें स्थान पर है, वहीं शाहरुख खान 16वें स्थान पर और सलमान 18वें पोजीशन पर है। अभिनेत्रियों ने भी अपना लोहा मनवाया है। इस कैटेगरी में दीपिका पादुकोण ने बाजी मारी है। इस लिस्ट में दीपिका 13वें, प्रियंका 14वें, ऐश्वर्या 16वें और सुष्मिता सेन 17वें पायदान पर रही। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान और उनकी पत्नी अवंतिका पिछले कुछ महीनों से अलग रह रहे हैं। दोनों तलाक भी ले सकते हैं। हालांकि अब इमरान ने अवंतिका के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि अवंतिका के जन्मदिन पर इमरान ने फूलों का गुलदस्ता भेजा, साथ ही उन्होंने एक इमोशनल नोट लिखकर अवंतिका से माफी भी मांगी। फिल्म सुपर 30 में एक बिहारी पत्रकार का किरदार निभाकर सबका दिल जीतने वाले एक्टर अमित साध अब जल्द ही G5 के वेब फिल्म बरोट हाउस में नजर आएंगे। इस फिल्म में अमित के साथ एक्ट्रेस मंजरी फडणीस भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। ये फिल्म एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा।